नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। सिरसा शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इसी अभियान के अंतर्गत आज नगर की कॉलोनियों में सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। इस एक सप्ताह तक चलने वाले महाअभियान में सड़कों की सफाई की जाएगी, गलियों को साफ सुथरा करने के साथ साथ शहर में तमाम तरह के गड्ढे भरे जाएंगे। इसके लिए सिरसा में ईओ ने जानकारी देते हुए बताया, सफाई कर्मचारियों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों को भी एक चार्ट बना करके दे दिया गया है और तमाम अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगा दी गई है। इस अभियान में कई बीजेपी नेता भी शामिल हुए। बीजेपी के युवा नेता अमन चोपड़ा, रातुसरिया, सुनील बमनिया व कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अमन चोपड़ा ने आम जनमानस से आह्वान किया कि वे साफ सफाई करने में अपनी जिम्मेदारी समझें और मदद करें। घरों व दुकानों के बाहर डस्टबिन रखें तथा नगर परिषद द्वारा भेजी जाने वाली गाड़ियों में कचरा डालें। पलपल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। आप देख पा रहे हैं बमनिया जी भी साथ खड़े हैं और लगाओ इनको, आपको लगा दो। क्या कार्यक्रम आज सिरसा नगर के अंदर? वैसे तो निरंतर रूप से सफाई अभियान कार्य शुरू रहा है और आगे भी रहेगा, मगर पूर्व में भी बहुत ही कर्मठ अधिकारी यहां पर अतर सिंह जी पहले भी रहे हैं और अब पुनः इनका दोबारा सिरसा में स्थानांतरण हुआ है और जिस बात के लिए जाने जाते हैं इन्होंने आते ही उसी बात पे स्वच्छता के ऊपर इन्होंने कार्य शुरू कर दिया और प्रत्येक वार्ड में ये काम शुरू हो रहा है। और हमारे यहाँ पर हमारे जिला सचिव सुनील बमनिया जी भी हैं जो इस वार्ड से पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और निरंतर रूप से केवल ये इस वार्ड तक की सीमित नहीं, पूरे शहर में जहाँ भी इनको मौका मिलता है ये निरंतर रूप से सफाई अभियान चलाते रहे हैं। युवा मोर्चा में भी जब ये जिला के अध्यक्ष थे तो इन्होंने ये बेड़ा खूब उठा रखा था और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वच्छता के ऊपर बहुत अधिक फोकस है और निश्चित रूप से प्रशासन के सहयोग से इस बात में हम सफल होंगे और निरंतर रूप से यह अभियान चलता रहेगा। और सारा प्रशासन आज यहाँ मौजूद भी है और निरंतर रूप से एफ ब्लॉक, बी ब्लॉक एसोसिएशन के पदाधिकारी भी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित हैं और इन्हीं के आग्रह पर भी आज ये सफाई अभियान चला है। तो निश्चित रूप से पूरे सिरसा नगरवासियों से भी मेरी अपील है कि हमें भी जहाँ पर सजगता रख के सफाई अभियान में ध्यान रखना चाहिए, हम वो ध्यान रखें और अपने शहर को स्वच्छ बनाने का काम करें। और सभी से साझा करना चाहूँगा क्योंकि हम सभी शहर के प्रति बहुत ही सजगता से अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, मगर विपक्ष का काम होता है कि उन्होंने अपनी भूमिका निभानी होती है। मगर विपक्ष के लोगों से भी मेरा आग्रह है एक कि ये नहीं कि बरसात हुई तो निश्चित रूप से बरसात जब मूसलाधार होती है तो उसी वक्त पानी भर जाता है, मगर आप उसकी तो वीडियो तुरंत दिखाते हैं, देखिए एक एक गोड्डे गोड्डे पानी खड़ा हो गया, मगर कभी आप ये भी वीडियो दिखाएं कि मात्र 6 घंटे के बाद वो सड़क बिल्कुल साफ भी होगी। जहाँ पर जिस अधिकारी की या जिन लोगों ने वो काम में जुटे रहे उनकी भी प्रशंसा करनी चाहिए कि भारी भरकम बरसात के बाद यदि 6 घंटे बाद वो सड़क खाली हो रही है तो कोई तो व्यवस्था में सुधार हुआ होगा। हमें हमेशा नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए, पॉजिटिविटी भी सोचनी चाहिए। और जहाँ तक ये कूड़े वाला भी थोड़ा मामला है, ठीक है कि कुछ लापरवाही रही होगी पिछले दिनों में, मगर अब हमें नहीं लगता कि आगे कोई लापरवाही मिलेगी। और वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा,
ये नहीं कि सुबह सुबह हम 5 बजे शहर पे निकले और हम कूड़े की फोटो खींच के डाल दें। तो नेचुरली बात है, सुबह तो सभी लोग कूड़ा दान में या कूड़े की जगह जो बनी हुई है कॉमन, वहाँ पे कूड़ा आके गिराएंगे, सभी गिराएंगे, चाहे वो जो भी है। मगर आप ये भी तो देखिए, 1 घंटे बाद वहाँ से कूड़ा उठ भी रहा है। तो पॉजिटिविटी भी रखें अपना, पॉजिटिविटी से ही हमेशा विकास को गति मिलती है, और पॉजिटिविटी में आप सभी सहयोग करें, ठीक है। जहाँ पर दिक्कत आए, अभी प्रदीप जी ने भी कहा टोल फ्री नंबर है, और ईओ साहब 24 घंटे दफ्तर में उपलब्ध हैं, इनके कर्मचारी उपलब्ध हैं, आप तुरंत प्रभाव से उन्हें संपर्क करके कह सकते हैं। और कहीं भी आपको कूड़े की शिकायत मिले तो मेरा खुद का नंबर 9354700005 है, आप मुझे शिकायत दें, तुरंत हम इसका समाधान भी करें। हाँ जी सर, आज क्या कार्यक्रम है? आज ये 1 हफ्ता के लिए, 1 वीक के लिए सब महासफाई अभियान चला जा रहा है, और ये लगातार 1 हफ्ता चलेगा ताकि शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये गार्बेज और सीएनडी वेस्ट जैसे पड़ा होता है, जो मिट्टी के ढेर पड़े होते हैं, या फिर जैसे हॉर्टिकल्चर के पत्ते वगैरह पड़े होते हैं पेड़ों के, उन सब से सिटी को फ्री करने के लिए 1 हफ्ता के लिए हमें ये महा सफाई अभियान नगर परिषद द्वारा चला जा रहा है। ये सारे शहर में चलेगा? पूरे शहर में चला जाएगा जी, ये शेड्यूल बना दिया गया है। एक हफ्ते के लिए पूरा शेड्यूल बना दिया गया है नगर परिषद द्वारा, पूरा 1 हफ्ता 1 तारीख से और 7 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। लेकिन पशुओं वाला भी तो एक प्रॉब्लम हो रही है जो हमारे शहर के अंदर सबसे ज्यादा, उनको भी पकड़ने के लिए टेंडर ऑलरेडी दिया हुआ है, और उस जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है उसको आदेश कर दिए गए हैं भाई, ये पकड़ कर इनका गौशाला में भेज दिया जाएगा, ये जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत आज पूरे बी ब्लॉक की नगर परिषद के सभी सफाई कर्मचारी भाइयों के बहनों के साथ पूरी सफाई होगी अच्छी तरह से, और जो मोदी जी का मिशन है स्वच्छ भारत, उसके तहत आज पूरा सफाई अभियान चलेगा, और कोई भी किसी भी जगह कोई किसी तरह का कूड़ा नहीं मिलेगा, ऐसा निरंतर चलेगा या एक दिन का कोई अभियान? नहीं, आगे भी चलेगा, आगे भी, आज एक बार सफाई होने के बाद आगे भी टोल फ्री नंबर सबको दिया जाएगा कि जहाँ कोई गंदगी अगर है तो वो टोल फ्री नंबर पे सूचना दे ताकि वहाँ की सफाई हो सके। मैं 1 हफ्ते का महा सफाई अभियान चलाया जा रहा है तो 1 हफ्ते चलेगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप अभी मेरे साथ चलिए और 1 महीने की मेरी फोटो देखिए और आज की फोटो देखिए, अब ये तो सारा शहर खड़ा है और ये फोटो देखिए, अब तो काम हो रहा कम से कम उसका दिखाइए ना। आपने जो पॉइंट कूड़ा का पॉइंट था जो उठाया है उसके बारे में क्या कहेंगे? कूड़े का पॉइंट जो मैंने हटाया है वो जनता बताएगी कि पोस्ट ऑफिस के साथ कितना कूड़ा पड़ता था और आज वो कूड़ा कितना पड़ता है, हम कितने प्रयासरत हैं, हम हर नागरिक को उनसे आग्रह करते हैं कि वहाँ कूड़ा ना डालें, और जब डोर टू डोर की गाड़ी आती है उसमें कूड़ा डाल दे, इतनी हम प्रार्थना करते हैं सिरसा वासियों से, और अगर वो डोर टू डोर की गाड़ी में कूड़ा डालते हैं तो इससे पॉइंट अपने आप गंदगी खत्म हो जाएगी, यही मेरी प्रार्थना है जी।